हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो आज अपना टॉपिक है वो लिथोग्राफ तकनीक के ऊपर है, और इस वीडियो में मैं आपको इस जो लिथोग्राफ के बारे में पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे प्रिंट होती है, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं या इससे रिलेटेड जो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम वही चीज पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लिथोग्राफ को जानने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले अगर देखो लिथोग्राफ को पहले समतल सतह प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखो सबसे पहले चीज बता देता हूं आपको, यह एक समतल धरातल पर पानी और तेल की वेमन सैर के सिद्धांत पर आधारित मुद्रण प्रक्रिया है। किस पर आधारित है? पानी और तेल के वेमन सैर के सिद्धांत पर आधारित मुद्रण प्रक्रिया है। जो दोस्तों इसके अंदर जो तल होता है ना, मुद्रण तल और जो अमुद्रण तल, मुद्रण तल जैसे इसे कहते हैं दोस्तों, ये मुद्रण तल है जिस पर प्रिंट होता है, जिस पर अपन जो ड्राइंग बनाते हैं उसका प्रिंट लेते हैं, उसे मुद्रण तल और अमुद्रण तल, दोनों क्या होते हैं? समतल होते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलीफ पेंट जो रिलीफ प्रिंट की तरह जो उभरे हुए रहते हैं और न ही इंटेग्रियो की तरह ये जो खुदे हुए रहते हैं, तो इसे समतल सतह प्रणाली भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो दोनों तल होते हैं, मुद्रण तल और अमुद्रण तल, दोनों ही प्लेन होते हैं, समतल होते हैं, और इन रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा दोस्तों इनको अलग किया जाता है, इसलिए इसे समतल मुद्रण जो प्रणाली भी कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लिथोग्राफ, आप लिथोग्राफ पढ़ रहे हो लेकिन लिथोग्राफ शब्द का आपको अर्थ भी मालूम होना चाहिए। जो लिथो का जो अर्थ होता है दोस्तों, लिथो का मतलब होता है पत्थर, और ग्राफी का मतलब होता है अंकन या लेखांकन। पत्थर के ऊपर अंकन या लेखांकन क्या कहलाता है? लिथोग्राफ कहलाता है। इस जो लिथोग्राफ का जो आविष्कार हुआ था वो दोस्तों 18वीं सदी में जो जर्मनी के एक लेखक थे, सेनफेडर नामक एक लेखक थे, उन्होंने इस लिथोग्राफी तकनीक का आविष्कार किया था। और उन्हें वो कुछ काम में और भी कुछ काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अनायास इसका जो इसका आविष्कार कर लिया था, और इन्होंने इसको सर्वप्रथम क्या नाम दिया? रसायन मुद्रण प्रणाली कहा है। इस टेक्निक को सबसे पहले रसायन मुद्रण प्रणाली नाम दिया उन्होंने। और लिथोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था एच बेक्स ने 1813 में किया था। तो लिथोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एच बेक्स ने किया था 1813 में। भारत में सर्वप्रथम जो लिथोग्राफी मुद्रण प्रारंभ करने वाले जो दो कलाकार थे, बेलनोस और सेविगनाप ने, जो दो कलाकार थे, उन्होंने 1822 में भारत में लिथोग्राफी मुद्रण का प्रारंभ किया, ठीक है। अब भारत में जो पहली जो मुद्रण जो लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना हुई थी वो 1825 में हुई थी और कलकत्ता में हुई थी। जो भारत में प्रथम लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना 1825 में कलकत्ता में हुई थी। दोस्तों अभी आपने एक चीज इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए कि जो लिथोग्राफ के लिए जो अपन पत्थर यूज में लेते हैं वो भारत में कहां पाया जाता है? तो भारत में बावेरिया नामक स्थान है, वहां के जूरा पर्वत जो श्रृंखला है वहां पर ये पत्थर पाया जाते हैं। तो भारत में कहां जाता है? बावेरिया नामक स्थान में जूरा पर्वत श्रृंखलाओं में ये पत्थर पाया जाता है। जो ये पत्थर दोस्तों कठोरता के आधार पर जो ये तीन प्रकार का होता है। एक फर्स्ट प्रकार में जो आता है वो पीला पत्थर होता है जो नरम होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा नरम होता है जो पीला पत्थर होता है। ग्रे पत्थर होता है जो मध्यम कठोर होता है, ठीक है। और जो तीसरे प्रकार का पत्थर होता है वो नीलेपन वाला पत्थर होता है जो एकदम कठोर होता है। तो ये तीन प्रकार के पत्थर हम प्रिंटिंग के लिए यूज लेते हैं। सबसे नरम कौन सा होता है? पीला पत्थर। और मीडियम कौन सा होता है? ग्रे पत्थर। और नीलेपन लिया हुआ पत्थर सबसे कठोर होता है। तो ये एक बेसिक नॉलेज है आपके लिथोग्राफ के बारे में। ये तो आपको इंपॉर्टेंट जानकारी होनी जरूरी है अगर आप लिथोग्राफ टेक्निक को समझना चाहते हैं। तो एक तरह से आप सभी को पता है कि लिथोग्राफ शब्द का मैंने अर्थ बताई दिया आपको कि लिथो का मतलब पत्थर, ग्राफी का मतलब होता है अंकन या लेखांकन। इसका आविष्कार 18वीं सदी में सेनफेडर नामक लेखक ने किया था, और इसका नामकरण 1813 में एच बेक्स ने किया था। भारत में सर्वप्रथम मुद्रण किसने किया था? बेलनोस और सेविगनाप नामक कलाकारों ने 1822 में की थी। और भारत में सर्वप्रथम लिथोग्राफ प्रेस की स्थापना 1825 में हुई थी और कलकत्ता में हुई थी। लिथोग्राफ के लिए जो पत्थर यूज में लिया जाता है वो भारत में बावेरिया नामक स्थान है जो जूरा पर्वतों में पाया जाता है। और ये पत्थर जो कठोरता के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला पत्थर होता है पीला पत्थर जो सबसे नरम होता है, ग्रे पत्थर जो एक मध्यम होता है कठोर होता है, मध्यम कठोर होता है, और नीलेपन वाला पत्थर होता है सबसे कठोर होता है।
तो ये आप ये बेसिक टेक्निक मिली। अब अपन इसके बारे में जानेंगे कि लिथोग्राफ प्रोसेस मुद्रण के बारे में, कि इसकी प्रिंटिंग होती कैसे है। तो अब बात करते हैं प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में, जो लिथोग्राफ से प्रिंट कैसे लिया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई ज्यादा अपना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले प्रिंटिंग जो प्रिंट लेने के लिए सबसे क्या पहले लिया जाता है, दो पत्थर लिए जाते हैं, ठीक है। अब इन पत्थर एक पत्थर के ऊपर क्या करते हैं, बजरी का बुरादा या लोहे का बुरादा कुछ भी होता है जो इसके ऊपर डाल दिया जाता है, और दूसरे पत्थर को इसके ऊपर रखकर इसकी घिसाई की जाती है और इसको राउंड शेप में घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है कि दोनों पत्थरों के बीच में एक लेप बन जाता है मुलायम, और ये पत्थर आपस में चिपकने जब लग जाते हैं तो क्या करता है, इन पत्थरों को अलग करके पानी से धो लिया जाता है। अभी पहले बार जो पहला स्टेप होता है अपने पत्थर तैयार करना, ये हो जाता है उस वक्त। अब उसके होता है पत्थर के ऊपर चित्र बनाना। दोस्तों सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है कि पत्थर के ऊपर चित्र बनाने से पहले जो एक गम एरेबिक होता है उसका एक लेप है ना, इसके ऊपर लगाया जाता है, और लगाने के बाद में इसके ऊपर ड्राइंग की जाती है। और ड्राइंग करने के लिए भी जो क्रेयॉन कलर है, ऑयल पेस्टल है, या तुश इंक आदि का प्रयोग किया जाता है, या फिर लिथोग्राफिक जो क्रेयॉन्स आते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब उनका प्रयोग करने के बाद में क्या किया जाता है कि इसके ऊपर वापिस एक गम एरेबिक का जो एक घोल होता है, वापिस या ब्रश या स्पंज की सहायता से इसके ऊपर लगा दिया जाता है वापिस। और लगाने के बाद में 10 से 12 घंटे तक इसको सुरक्षित स्थान पे रख दिया जाता है। अब रखने के बाद में क्या किया जाता है दोस्तों, जो ये है अब इसके लिए मुद्रण के लिए तैयार हो जाती है। अब क्या करते हैं कि जो शाही होती है, जो मुद्रण शाही होती है वो तैयार की जाती है, और नेप रोलर की सहायता से इसके ऊपर शाही लगाई जाती है, पूरे जितनी भी ड्रॉइंग उन्होंने बनाई है उसके ऊपर शाही ली जाती है। अब शाही लेने के बाद में क्या किया जाता है, इसका कागज के ऊपर प्रिंट ले लिया जाता है, कागज के ऊपर प्रिंट ले लिया जाता है। बहुत ईजी है, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं है, और आपके जो लिथोग्राफ प्रिंट है वो तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ईजी है आपके लिए।